फ्लूड प्रेशर में पॉइंट नंबर वन, प्रेशर का मेन पॉइंट से चलेंगे, कहीं और करना नहीं हमने कुछ भी। प्रेशर फोर्स बाय एरिया, लिक्विड का प्रेशर फोर्स बाय एरिया, और पॉइंट किसी पॉइंट के ऊपर डी एफ बाय डी ए। तो नेक्स्ट इसमें पास्कल लॉ, पास्कल लॉ के ऊपर क्वेश्चन आता है। पास्कल लॉ क्या कहता है कि अगर आप एक क्लोज फ्लूड लेते हो तो फोर्स बाय एरिया अगर आप एक पॉइंट का प्रेशर बढ़ाते हो तो वो प्रेशर हर तरफ सेम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो जैसे यहाँ पर आपका आपने एक पिस्टन लगाया, यहाँ पर पिस्टन लगाया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों में चेंज किया, तो यहाँ पर स्ट्रेस क्या लगाया, फोर्स बाय एरिया, और यहाँ पर क्या लगाया, फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स बाय एरिया की रेशियो दोनों तरफ से क्या रहेगी, एग्जैक्टली सेम। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, तो क्या आएगा वो इसमें शीट में देखेंगे। तो फोर्स बाय एरिया सेम है। अगर आप एक लिक्विड लें, लिक्विड के बिल्कुल बॉटम पे प्रेशर का फॉर्मूला एच रो जी, इसी पॉइंट पर एच रो जी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इसके अंदर हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स जो कहते हैं कंटेनर की शेप जैसी मर्जी टेढ़ी मेढ़ी हो, तो अगर आपका लिक्विड की हाइट तीनों में एच 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 सेम है तो नीचे प्रेशर एच रो जी एच रो जी एच रो जी सेम लगेगा, चाहे वेसल ऐसा हो चाहे कैसा भी हो। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट है इसमें कि अगर आप बी और ए पॉइंट लेते हो और दोनों में हाइट का डिफरेंस एच है तो ए का प्रेशर बी के प्रेशर से ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा, एच रो जी। नेक्स्ट है ए पॉइंट ये रहा, बी पॉइंट ये है और ये एच है, तो पी ए माइनस पी बी क्या होगा, एच रो जी। तो इसके अंदर अगर मैं बोलूं कि ए का प्रेशर क्या होगा, ए का प्रेशर होगा, ए का प्रेशर विल बी इक्वल टू बी, इधर ले जाएं या ऐसा करें, इधर देखें, जो ए का प्रेशर है, ए का प्रेशर और बी का प्रेशर, तो ए का प्रेशर माइनस बी का प्रेशर इज इक्वल टू एच रो जी। तो बी बिल्कुल सरफेस के ऊपर है, सरफेस के ऊपर कौन सा प्रेशर लगता है, पी एटमोस्फेयर। तो ए पॉइंट का प्रेशर पता है क्या बनेगा, पी एटमोस्फेयर प्लस एच रो जी, ये रहा। ठीक है, तो ये ए का प्रेशर है, तो आज के बाद सीधा शॉर्टकट लगाएंगे, ए के ऊपर प्रेशर क्या होगा, पानी का प्रेशर होगा एच रो जी, और एटमोस्फेयर प्रेशर भी होगा पी एटमोस्फेयर। ठीक, नेक्स्ट है सेम रूल है, अगर हाइट एच सेम है चारों इसमें ट्यूब्स में तो ए बी सी डी पे प्रेशर एग्जैक्टली सेम होगा एच रो जी एच रो जी एच रो जी। उसी तरीके से अगर ये वैसे जैसा मर्जी है, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट एच है तो यहाँ का प्रेशर क्या होगा, एच रो जी सेम है, मतलब पी एटमोस्फेयर प्लस एच रो जी रहता। अगर ये तीन पॉइंट्स हैं वेसल इस लिक्विड के नीचे तो एक्स वाई जेड पर प्रेशर की वैल्यू एग्जैक्टली क्या रहेगी, सेम रहेगी। नेक्स्ट है अगर आपके पास ये टेढ़ा मेढ़ा वेसल है, एक लाइन खींच ली जाए यहाँ पर ताकि सेम हाइट पर लिक्विड हो यहाँ से, तो ए बी और सी का प्रेशर एग्जैक्टली सेम निकलेगा, ये करने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर मैं बता चुका हूँ कि ए पॉइंट का प्रेशर क्या होगा, पानी का प्रेशर एच रो जी प्लस एच रो जी प्लस पी एटमोस्फेयर। अगर ये मान लो रेस्ट पे है वेसल और अगर ये एक्सलरेट करता है तो पानी टेढ़ा हो जाएगा ड्यू टू सूडो फोर्स, पीछे की तरफ प्रेशर लगेगा, पानी टेढ़ा हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो इसके अंदर एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है और सूडो फोर्स से इस पार्टिकल पे एक्सलेशन कहाँ लगेगी, पीछे लगेगी। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा नेट एक्सलेशन कितनी है, तो आप क्या बोलेंगे, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो अगर ये थीटा है तो इंक्लाइन प्लेन वाला सेम केस बन गया, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। अगर ये ए तो ये ए, तो टैन थीटा क्या होगा, ए बाय जी। तो यहां से ये एंगल कैन बी कैलकुलेटेड, टैन थीटा ए बाय जी। नेक्स्ट इसमें कुछ नहीं करना, यहां से करेंगे। अगर आपको लिक्विड का ऐसा शेप गिवन है क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन है, तो ऐसे केस में अगर आप वर्टिकल के ऊपर, अगर आप वर्टिकल में प्रेशर लगाएं तो क्या लगेगा, पी ए इज इक्वल टू एच रो जी प्लस पी एटमोस्फेयर। तो ये रूल लगता है। आप सेम रूल हॉरिजॉन्टल में भी लगा सकते हैं, हॉरिजॉन्टल में पानी ज्यादातर पीछे की तरफ आ रहा है तो ये वाला प्रेशर ज्यादा होगा इस प्रेशर से, तो इस पॉइंट का प्रेशर सिर्फ पी एटमोस्फेयर है और यहाँ का पी ए है, तो हॉरिजॉन्टल में लगाएं पी ए माइनस पी एटमोस्फेयर इज इक्वल टू एच रो जी में एच की जगह एल, रो जी नहीं जी की जगह ए, हॉरिजॉन्टल में ए एक्सेलरेशन और वर्टिकल में जी एक्सेलरेशन है। तो यहां से पी ए की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। तो पी ए वर्टिकल से भी निकल सकता है, पी ए हॉरिजॉन्टल से भी निकल सकता है, ये दो कॉन्सेप्ट है, इसको यूज कर पाए करेंगे आगे, देखेंगे कैसे, कुछ नहीं करना। फोर्स ऑन साइड वॉल ऑफ रैंडम शेप वेसल, तो इसके अंदर रैंडम शेप वेसल के अंदर बेसिकली क्या गिवन है कि कोई भी टेढ़ा मेढ़ा वेसल ऐसा रैंडम है, तो इसमें क्या होता है, जो पानी है वो इसकी वॉल्स पे फोर्स लगाता है, तो वॉल्स पानी के ऊपर फोर्स लगाती है, तो वॉल ने पानी के ऊपर फोर्स ये टेढ़ी लगानी है परपेंडिकुलर टू दी वॉल, तो जो
जो फोर्स लगेगी वाटर की वो परपेंडिकुलर दी वॉल लगेगी। तो ये मान लो नॉर्मल रिएक्शन है या कोई भी फोर्स है, इसके दो कॉम्पोनेंट्स होंगे हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट हमेशा एक दूसरे को क्या कर जाते हैं, कैंसल। तो इसमें वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऐड करेंगे तो सारे वर्टिकल कॉम्पोनेंट कहाँ आ रहे हैं, ऊपर। तो पानी इक्विलिब्रियम में तो नेट ऊपर की फोर्स इज इक्वल टू नेट नीचे की फोर्स। ऊपर की फोर्स में क्या आएगा, ये जो एन ऑफ वर्टिकल है नॉर्मल रिएक्शन का वर्टिकल कॉम्पोनेंट है, इसका सिग्मा ले लो। सिग्मा का मतलब सभी वर्टिकल कॉम्पोनेंट का समेशन, तो समेशन ले लो प्लस ये क्या है एन वन। एन वन, एन वन क्यों, क्योंकि पानी फ्लोर पर भी फोर्स लगा रहा है तो फ्लोर पानी के ऊपर फोर्स लगा रहा है नॉर्मल रिएक्शन एन वन। तो एक नॉर्मल रिएक्शन वेसल पे कहां लग रहा है, दीवार पे लग रहा है ऊपर की तरफ, हॉरिजॉन्टल सारे कैंसिल हो गए। एक फ्लोर से लग रहा है N1 और पानी का अपना वेट कितना है mg। तो इक्वेट करें वर्टिकल फोर्सेस प्लस नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg, तो यहां से नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आएगी। तो N1 तो आपको पता ही है, यहां पर प्रेशर क्या लग रहा है, hrog इनटू एरिया, ये रहा फोर्स आ गई। तो यहां से वर्टिकल फोर्स दीवार पे जो लगेगी उसकी वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। अब जैसे सपोज करो, अब वेसल ऐसा है, अब इस वेसल में क्या प्रॉब्लम है, अब यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वो यहाँ लगेगा परपेंडिकुलर टू दी एरिया और यहाँ पर ऐसे लगेगा। अब इसके जब कंपोनेंट बनेंगे तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नीचे बनेंगे और नीचे इसके कंपोनेंट कहाँ बनेंगे, वर्टिकल ऊपर बनेंगे। तो कुछ पार्ट ऑफ वेसल के वर्टिकल कंपोनेंट एनवी नीचे बनेंगे और कुछ के ऊपर बनेंगे। अब पता नहीं यार किसका बड़ा किसका छोटा होगा एनवी, तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस तो कैंसिल है। तो अपर पार्ट का मान लो टोटल एनवी अगर बड़ा है लोअर पार्ट से तो नेट फोर्स एनवी कहाँ आएगी, नीचे। लेकिन हो सकता है नीचे का बड़ा हो और ऊपर का छोटा हो, तो एनवी माइनस करेंगे तो कहाँ आएगी, ऊपर। मैं कह नहीं सकता, कुछ भी हो सकता है, पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन ये बनेगी। जैसे मान लो एक मिनट के लिए कि एनवी अभी ऊपर है, इन सबको सॉल्व करके नेट एनवी कहाँ आता है, अपवर्ड है। तो नेट एनवी अपवर्ड है, फ्लोर का नॉर्मल रिएक्शन तो हमेशा ही अपवर्ड है, वेट नीचे है तो एनवी आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो डेल्टा एनवी डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड है, फ्लोर का रिएक्शन तो ऊपर ही है, वेट भी नीचे है, तो इन दोनों का सम इसके इक्वल हो जाएगा। मतलब इस तरीके से आप दीवार की फोर्स को कैलकुलेट करते हैं। जब आएगा क्वेश्चन तब की तब देखेंगे, ये तो सिर्फ कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है। ये आ जाता है आर्कमिडीज से, वैसे हम करेंगे, मैं भी दो मिनट बता देता हूँ वैसे इसे। वो ये कि अगर आपको एक ये वाटर का कंटेनर गिवन है और कितने धागे से एक वेट टांग दिया इसके ऊपर, और डेंसिटी ऑफ द लिक्विड रो है और ये केस है नीचे वेइंग स्केल लगा दिया, तो कह रहा है वेइंग स्केल पे रीडिंग क्या आएगी, ये क्वेश्चन है। तो वेइंग स्केल पे रीडिंग क्या आएगी, वेइंग स्केल पे और मास ऑफ द लिक्विड इसमें एम है। तो कई लोग सोचते हैं कि पानी का वेट mg तो आएगा ही आएगा, पत्थर का वेट भी आएगा, नहीं पत्थर का वेट नहीं आएगा, पत्थर पानी और बीकर के ऊपर कोई बोझ नहीं है, रस्सी से टांग रखा है। तो वो तो कहता है आप चाहे हटा भी लोगे तो मैंने कौन सा कुछ इसके ऊपर लगाना है, तो हवा में टंगा हुआ है, तो इसलिए W आपने इसमें कंसिडर नहीं करना। तो वेट ऑफ द लिक्विड होगा सिर्फ, लेकिन एक प्रॉब्लम है, पानी इसके ऊपर क्या लगाएगा, अप थ्रस्ट। तो बदले में ये भी पानी के ऊपर क्या लगाएगा, अप थ्रस्ट। तो फ्लोर के ऊपर अप थ्रस्ट फोर्स नीचे लगेगी, वैसे हम ये लेते नहीं कभी भी। हम कहते हैं एक लकड़ का पीस तैर रहा है पानी में, पानी ने अप थ्रस्ट लगाया, लकड़ का पीस भी अप थ्रस्ट लगाता है, डाउनवर्ड फोर्स लगाता है पानी पे, पर पानी फर्क क्या पड़ता है इतने बड़े पानी को लकड़ के पीस से, इसलिए हम उस फोर्स को कंसिडर नहीं करते। पर यहाँ पर क्योंकि तोल रहे हैं उस पानी को, तो यहाँ पर कंसिडरेशन करनी पड़ेगी। तो अब थ्रस्ट किसके ऊपर लगा, तो बदले ने फ्लोर पे इसने क्या लगाया, यू। तो फ्लोर का नॉर्मल रिएक्शन एन तो है ही है, तो आपको जो रीडिंग लेनी होती है, लिफ्ट वाले केस याद है, लिफ्ट में अगर कोई बंदा खड़ा है तो नॉर्मल रिएक्शन ही रीडिंग मानी जाती है अपरेंट वेट, तो आपको नॉर्मल रिएक्शन इसमें निकालना है। तो पानी के लिए इक्वेशन क्या बनेगी, पानी की इक्वेशन बनेगी जो एन है वो ऊपर है, अप थ्रस्ट इसके ऊपर नीचे है और वेट ऑफ द लिक्विड भी नीचे है। तो वेट नीचे है, अप थ्रस्ट फ्लोर के ऊपर लग रहा है और ये नॉर्मल रिएक्शन आएगा। तो अप थ्रस्ट वी रो जी होता है, यहां से सॉल्व करके आंसर आएगा। जस्ट मैं ये बताना चाहता हूं, अभी हम करेंगे अप थ्रस्ट का कॉन्सेप्ट सारा, बट मैं ये बताना चाहता हूं कि इसमें अगर आप लिक्विड ब्लॉक के ऊपर अप थ्रस्ट लगा रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, हर में नहीं लगता, हर में लगता है लेकिन कंसिडर नहीं करते। तो ये ब्लॉक भी बीकर के ऊपर क्या लगाएगा, बदले में यू लगाएगा, जो आपको विंग मशीन के अंदर इसका इफेक्ट नजर आएगा। ये बता रहा हूँ कि वेट एम जी तो होगा ही होगा, साथ में उस स्टोन की वजह से जो अपथ्रस्ट है वो भी क्या करना पड़ेगा, आपको ऐड करना पड़ेगा, वो रीडिंग होगी इसकी। ठीक, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है क्या, इसको एक बार देख लेते हैं।
आर्किमिडीज प्रिंसिपल देखो, आर्किमिडीज प्रिंसिपल दो तरीके से लगाएंगे हम, बहुत सिंपल है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल एक तो तब लगाएंगे, देखो आर्किमिडीज सुनते ही हर कोई ये सोचता है कि बॉडी तैरेगी, नहीं जरूरी नहीं कि बॉडी तैरेगी, बॉडी डूब भी सकती है। आर्किमिडीज ये तो नहीं कहा था, गारंटी तो ना ली थी कि बॉडी को तैर के दिखाऊंगा, डूब जाए, लोहे का पीस डालोगे तो आर्किमिडीज कैसे लगेगा ये देखो। तो आर्किमिडीज ने कहा कि अगर मान लो आपके पास वेट ऑफ दी, मान लो आयरन का पीस है, ये डूबेगा तैरेगा नहीं, तो अगर मान लो 10 न्यूटन हवा में वेट है और पानी में डालते ही इसका वेट थोड़ा कम हो जाता है, हल्का हो जाता है, कितना 8 न्यूटन। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पानी ने इसके ऊपर क्या लगाई, फोर्स, ऊपर की तरफ, ऊपर को अप बोलते हैं, फोर्स को थ्रस्ट, तो ये अप थ्रस्ट कितना 2, तो पानी ने इसके ऊपर फोर्स लगाई कितनी 2 न्यूटन। ठीक है यहां तक? तो अभी क्या है कि इसमें वेट 10 न्यूटन से कम क्यों हुआ, क्योंकि पानी ने क्या लगाई, फोर्स 2 न्यूटन, तो इसका वेट क्या हो गया 8 न्यूटन। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, क्योंकि इसने पानी का लिक्विड को डिस्प्लेस किया होगा, तो पानी का लिक्विड कितना डिस्प्लेस किया, 10 में से 8 गया 2 न्यूटन, तो अब थ्रस्ट इसमें क्या लगा 2 न्यूटन। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो अब थ्रस्ट मतलब ये आर्किमिडीज ये बताता है कि अब थ्रस्ट इज लॉस इन वेट, लॉस इन वेट कितना हुआ 2 न्यूटन, तो अब थ्रस्ट भी कितना है 2 न्यूटन, और अब थ्रस्ट इज ऑलवेज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड एंड अब थ्रस्ट एक ही बात है, क्योंकि अब थ्रस्ट 2 न्यूटन है तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस भी 2 ही न्यूटन है। राइट, क्लियर है यहां तक? ठीक, नेक्स्ट है, जब कोई बॉडी तैरेगी, अब वो तो तब है जब वो पूरी की पूरी बॉडी हमने पानी में डाल दी तो क्या हुआ, तो ये लिखा हुआ है इसमें W1 माइनस W2 लॉस इन वेट, लॉस इन वेट ही वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है और वही क्या है इसमें अब थ्रस्ट है। लेकिन अगर कोई बॉडी तैरेगी, उसका कुछ पोर्शन हवा में कुछ पानी में, टोटल वॉल्यूम उसका वी था, बॉडी की डेंसिटी रो भी थी और लिक्विड की रो एल है, कितना पोर्शन अगर वी डैश हवा में है तो बाकी पानी में है, तो ऐसे केस में वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, तो ऐसे केस में ये जो समर्ज पोर्शन है ये पानी डिस्प्लेस करेगा, तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज ऑलवेज इक्वल टू अप थ्रस्ट। तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड क्या है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड अप थ्रस्ट तो एक ही बात होती है, तो वेट ऑफ लिक्विड क्या है, वी माइनस वी डैश इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, क्योंकि वेट किसका निकल रहा है लिक्विड का, तो डेंसिटी किसकी लिक्विड की इनटू जी, तो ये वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है। तो आर्किमिडीज ये कहता है अगर कुछ पोर्शन बाहर कुछ अंदर, तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस या अप थ्रस्ट इज इक्वल टू होल वेट ऑफ द बॉडी। तो अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू होल वेट ऑफ द बॉडी, या वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड तो अप थ्रस्ट होता है, एक ही बात है। तो ऐसे केस में ये वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड था और होल वेट ऑफ द बॉडी क्या बनेगा, वी इनटू डेंसिटी ऑफ बॉडी इनटू, जब आप वेट ऑफ लिक्विड निकालेंगे तो डेंसिटी लिक्विड की, जब आप बॉडी का वेट निकालेंगे तो डेंसिटी बॉडी की। तो ये आपके पास इक्वेशन बनेगी कब, जब कोई बॉडी कुछ हवा में कुछ पानी में, तो क्या इक्वेशन बनेगी, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड मस्ट बी इक्वल टू होल वेट ऑफ द बॉडी। इसको लगा के देखते हैं, जैसे क्वेश्चन है एक आइसबर्ग जो है वो तैर रहा है, एक आइसबर्ग तैर रहा है पार्शली कुछ इस तरीके से, कुछ पानी में कुछ हवा में, तो आपको डेंसिटी ऑफ वाटर पता है इसमें 1 है, आइस की डेंसिटी 0.8 है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग इज अबव द लेवल ऑफ द सी वाटर, कितना इसका वॉल्यूम ऊपर है हवा में है, ये निकालना है। तो मान लो टोटल वॉल्यूम वी है, वी डैश हवा में, तो पानी में कितना है, वी माइनस वी डैश, तो पानी डिस्प्लेस कितना हुआ, वी माइनस वी डैश इंटू डेंसिटी ऑफ सी इंटू जी, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड आ गया। और आर्किमिडीज क्या कहता है कि तैर रहा है, तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड मस्ट बी इक्वल टू होल वेट ऑफ द बॉडी, तो होल वेट में क्या आएगा, टोटल वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ आइस इनटू, क्योंकि बॉडी आइस है, तो यहां से इक्वेट करके जी से जी कैंसिल, तो यहां से वी डैश बाय वी निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। तो क्या पॉइंट कैसे लगेगा ये समझ में आ रहा है यहां तक? तो एप्लीकेशन है इसकी, ये थ्योरी में एप्लीकेशन है, ये करने की जरूरत नहीं है, बस ये एप्लीकेशन ये बताती है कि अगर बॉडी की डेंसिटी ज्यादा है लिक्विड की डेंसिटी से तो बॉडी डूब जाएगी, और अगर बॉडी की डेंसिटी कम है पानी की डेंसिटी ज्यादा है तो वो तैरेगी, सिंपल। तो ये डेफिनेशन याद रखेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, स्पेसिफिक रिलेटिव डेंसिटी है डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, बस ये फॉर्मूला याद रखेंगे, डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, दैट्स इट। पानी की डेंसिटी या जैसे मान लो रिलेटिव डेंसिटी किसी बॉडी की 4 है, तो डेंसिटी ऑफ बॉडी निकालो, 4 is equal to density of body by density of leak water.
पानी की डेंसिटी एसआई में याद रखनी है 1000 होती है और सीजीएस में क्या होती है 1। तो अगर आप एसआई में काम कर रहे हो तो बॉडी की डेंसिटी एसआई में आएगी, सीजीएस में कर रहे हो तो सीजीएस में आएगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है रिलेटिव डेंसिटी का। तो ये टाइप की प्रॉब्लम आ जाती हैं कि आपके सामने एक ये यू शेप ये जो है ट्यूब है, इसमें 12.5 सेंटीमीटर ऑफ स्पिरिट है और एच मरकरी है, दोनों में मरकरी का लेवल सेम गिवन है और यहाँ पर 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर है और ये इक्विलिब्रियम में है। जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम आएगी ट्यूब की, आपने सिंपली ये काम करना है, इधर का प्रेशर और इधर का प्रेशर इक्वेट कर देना है। तो इधर का प्रेशर बोलो 12.5 सेंटीमीटर, देखो एच रोजी लगाऊंगा मैं, एच इंटू डेंसिटी ऑफ स्पिरिट इंटू जी, इसमें क्या होगा एच इंटू डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी, इसमें क्या होगा एच इंटू डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी और यहाँ पर H into density of water into G। तो ये देखो, तो ये spirit का pressure left side का, ये mercury का pressure, ये mercury का pressure और ये water का pressure। तो यहाँ से cancellation करके आपको relative density spirit की निकालनी है। Spirit की relative density होगी क्या, density of spirit by density of water। तो ये ratio निकालोगे अपने आप आंसर आ जाएगा। Point समझ में आ रहा है कि इस type की problem में कुछ नहीं करना है, H rho G के साथ equate करना है बस। Next आपको इसमें क्या करना है, देखो अगर ये कंटेनर है पानी से भरा हुआ और ये ए एक्सेलेरेट कर रहा है, तो ये एल लेंथ है और ये एच डिस्टेंस है। तो अगर मैं यहाँ पर पी बी माइनस पी ए पूछूँ क्या होगा, तो पहला रूल आप यहाँ पे लगा लो, पी पी सी माइनस पी ए हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल में यहाँ का प्रेशर बड़ा है यहाँ का छोटा है, तो पी सी माइनस पी ए इज इक्वल टू एच की जगह एल इंटू डेंसिटी इंटू ए, पी सी आ गया। एक आप यहाँ लगाओ पी बी माइनस पी सी इज इक्वल टू एच रो जी, तो यहां से PC की वैल्यू ऊपर से नीचे पुट करके PB माइनस PA कैन बी कैलकुलेटेड। तो इस टाइप से ये सूडो फोर्स की प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। इसमें ये मिक्सचर की डेंसिटी का रिजल्ट गिवन है। अगर मान लो दो लिक्विड है जिनकी डेंसिटी रो वन रो टू है और वॉल्यूम वी वन वी टू है, तो दो लिक्विड को मिक्स करेंगे तो टोटल मिक्सचर की डेंसिटी क्या होगी, टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम। तो पहले लिक्विड का मास है, दूसरे लिक्विड का मास है और ये टोटल वॉल्यूम है। तो इसकी जगह ये क्वेश्चन आता है पेंडुलम वाला, ऐसा क्वेश्चन आता है कैसा कि मान लो आपको एक पेंडुलम गिवन है जिसका टाइम पीरियड 2π√L/g है। आपने उस पेंडुलम को किस में डाल दिया, किसी लिक्विड में डाल दिया और उसका टाइम पीरियड आपको निकालना है क्या होगा। तो रूल नंबर वन, जब भी आप किसी भी पेंडुलम को लिक्विड में डालेंगे तो क्या होगा, देखो दो केस बनाते हैं हम इसमें। पहला केस इसमें ये बनाते हैं कि अगर जो पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड क्या होगा, 2π√ कितना L/g। फर्स्ट इक्वेशन, जब आप इसे किसी भी लिक्विड में डालेंगे पेंडुलम, पेंडुलम की डेंसिटी रो है और लिक्विड की डेंसिटी सपोज सिग्मा है, ठीक है, रो और सिग्मा। अब क्या होगा इसमें, इसका खुद का वेट कहां एक्ट करेगा, नीचे mg नीचे, और इसके ऊपर लिक्विड क्या लगाएगा, अब थ्रस्ट। तो इसका नेट वेट क्या होगा, नेट वेट में एम तो चेंज होगा नहीं, तो क्या चीज चेंज होगी, जी डैश इज इक्वल टू एक्चुअल वेट माइनस थ्रस्ट। तो इसका नया वेट आ गया। तो मैं करने क्या वाला हूं, मैं टाइम पीरियड निकालने वाला हूं नया, तो लेंथ में तो कोई चेंज आएगा नहीं, तो किस में चेंज आएगा, जी डैश में। तो मैं जी डैश निकालना चाहता हूं, तो इसमें काम करेंगे एम इंटू जी डैश, या एक काम करते हैं इसमें एम की जगह वॉल्यूम, मास किसका, बॉडी का, तो डेंसिटी कितनी है बॉडी की, रो, जी डैश इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी माइनस अपथ्रस्ट। अब जो अपथ्रस्ट होता है ना, अपथ्रस्ट वो हमेशा क्या होता है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो अपथ्रस्ट में वॉल्यूम तो बॉडी और लिक्विड का सेम होगा, लेकिन डेंसिटी किसकी यूज करेंगे इसमें, लिक्विड की। तो अपथ्रस्ट में हमेशा डेंसिटी किसकी यूज करेंगे, लिक्विड की। तो वी 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 कैंसल, यहां से जी डैश निकाल लेना, यहां पुट कर लेना, टाइम पीरियड टी डैश कैन बी। मेथड समझ में आ रहा है कि जी डैश की वैल्यू कैसे निकलेगी, वेट में से अपथ्रस्ट को क्या करना है, माइनस, ठीक है। तो ये रूल है इसमें। इस टाइप की प्रॉब्लम आ सकती है क्या, कि अगर मान लो ये एक कोई भी ट्यूब है, इस ट्यूब में लिक्विड है, और कैसे लिक्विड है, इस ट्यूब में ऐसा डायग्राम गिवन होगा, लिक्विड कुछ इस तरीके से है कि आर रेडियस है इसका ट्यूब का, लिक्विड जो है वो यहां से स्टार्ट है,
यहां से स्टार्ट है, यहां से होता हुआ ये एक लिक्विड है, ये एक लिक्विड है और ये वाला दूसरा लिक्विड है। दो किस्म के लिक्विड है, ठीक है, मैंने शेड कर दिया, दो लिक्विड है। अब दो लिक्विड में ये नीचे लेवल, ये ऊपर लेवल है थोड़ा सा, तो ये इक्विलिब्रियम में गिवन है। इक्विलिब्रियम में गिवन है, आपको कई बार पूछेगा थीटा निकालो, कई बार पता नहीं क्या निकालो, पर रूल एक ही है, स्टार्टिंग पॉइंट एक ही है, एच रो जी लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे विल रिमेन सेम। अब एच रो जी लेफ्ट और राइट पे कैसे होगा? एच रो जी लेफ्ट और राइट पे ऐसे होगा, पहले इस लिक्विड की बात करते हैं। इस लिक्विड में हम एक काम करते हैं, आपको ये आर गिवन है या थीटा गिवन है, तो आपको ये हाइट पता लग जाएगी कितनी, आर साइन थीटा। ऐसे इस ट्राइंगल में आर गिवन है और ये कितना हो जाएगा, ठीक है, ऐसा करते हैं, ये आर गिवन है और आपको क्या निकालना है, आपको ये हाइट निकालनी है, ये हाइट निकालनी है। तो एक काम करेंगे, इसमें इसके अंदर ये एंगल क्या होगा, 90 माइनस, ठीक, नहीं तो ऐसा ना करो, ऐसा कर लो, यहां से निकाल लो, और भी बड़े ट्राइंगल्स गिवन है, तो आप ये वाला ट्राइंगल ले लो, चलो ये ट्राइंगल ले लो, इसमें ये आर है, ये थीटा है, तो ये हाइट निकाल लेना जो कि क्या आएगी, आर कॉस थीटा, ये ज्यादा बेटर है, तो आर साइन थीटा आर कॉस थीटा, हाइट आ गई एक तरफ की, तो ये एक हाइट आ गई, डन हो गया। अब इसकी बात करते हैं, तो ये जो देख रहे हो ये वाला पोर्शन, लाइन खींची रखी है मैंने, ये लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर लिक्विड का लेवल दोनों तरफ सेम है, तो एच रो जी कैंसिल ही होना है, तो हम ये हाइट निकाल लेंगे जरूर। अब ये हाइट क्या होगी, ये हाइट होगी टोटल हाइट जो कि कितनी है, आर कॉस थीटा में से इतनी हाइट को माइनस करेंगे। अब ये वाली हाइट किस ट्राइंगल से आ जाएगी, कितनी, आर साइन थीटा, तो आर कॉस थीटा में से आर साइन थीटा, तो ये वाली हाइट आ गई। तो बस रूल लगा लो, एच रो जी इस तरफ का और एच रो जी इस तरफ का इक्वेट कर दो, यही किया हुआ एग्जैक्टली, ये देखो, तो एच रो जी क्योंकि यहाँ की लिक्विड की डेंसिटी रो वन है और यहाँ रो टू है, तो ये रो टू वाला अलग कर लिया, एच रो जी में ये रो टू और इसके लिए एच रो जी में ये रो वन, बस सॉल्व करके आपको डेंसिटी की रेशियो आ गई, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके टेन थीटा में थीटा टेन इनवर्स आ जाएगा। तो दो बार क्वेश्चन आया होगा ऐसा, एक बार डेंसिटी की रेशियो पूछी गई है और एक बार थीटा की वैल्यू पूछी गई है। रूल वही है, एच रो जी लेफ्ट और राइट पर क्या करना है, सेम, ट्यूब की शेप भी चेंज कर सकता है कल को, पर कॉन्सेप्ट वही रहेगा, एच रो जी लेफ्ट और राइट का सेम, ठीक। मैनोमीटर क्या होता है, गैस का प्रेशर मेजर करता है मैनोमीटर, कैसे करता है, अगर गैस है हम क्या करते हैं, गैस के आगे ना ये गैस है मरकरी डाल देते हैं, मरकरी, तो जितना गैस का प्रेशर अंदर से ज्यादा होगा मरकरी का लेवल ऊपर ही उतना ही ऊपर उठ जाएगा। तो एक काम करेंगे, अगर आपको प्रेशर निकालना है किसका, गैस का, तो यहाँ पे गैस का प्रेशर क्या होगा, एक लाइन खींच लें, तो ए का और बी का प्रेशर एग्जैक्टली सेम होगा क्योंकि यहाँ का प्रेशर तो लेने की जरूरत नहीं है, तो अगर आप बी का प्रेशर निकाल दें वही गैस का प्रेशर है, तो बी का प्रेशर होगा क्या, एच रो जी ऑफ मरकरी प्लस पी एटमोस्फेरिक, तो जो बी का प्रेशर है वो क्या होगा, एटमोस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जी, और यही क्या है, गैस का प्रेशर है, तो गैस का प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर प्लस मरकरी का ये वाला जो लेवल होगा एच रो जी। तो अगर आप गैस का प्रेशर पी में से पी नॉट एटमोस्फेरिक को माइनस करो, उसको गॉज प्रेशर बोलते हैं, तो गॉज प्रेशर का मतलब है गैस का प्रेशर माइनस एटमोस्फेरिक प्रेशर, क्लियर है यहां तक, तो बस ये पता होना चाहिए, सफिशियंट है इसमें इतना। ये लो,
An object is located 2 km beneath the surface of the water if fractional compression delta V by V is given. Ratio of hydraulic stress to the corresponding hydraulic strain will be equal to what? Strain तो दिए बैठे हैं, delta V by V तो उसे दे ही दिया, सिर्फ क्या निकालना है आपको? Stress, और साथ में क्या दे रहे हैं? इसके अंदर H rho G, H rho G. तो एक काम करेंगे इसमें, तो आप इसमें H rho G से इसका stress, स्ट्रेस क्या है? फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया प्रेशर होता है, प्रेशर ही स्ट्रेस होता है. एच रो जी से स्ट्रेस आ गया, डेल्टा वी बाय वी से स्ट्रेन तो ऑलरेडी गिवन ही है, तो फिर क्या निकालना है? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन. आंसर यंग मॉडुलस को निकालना है उसका, या बल्क मॉडुलस. पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक. एक हॉलो स्फेरिकल शेल है, आउटर रेडियस आर है, तो जस्ट सबमर्ज अंडर दी वाटर सरफेस. नीचे शेल है, आउटर रेडियस आ रहा है, नीचे पानी के नीचे है, तैर रहा है. इनर रेडियस शेल का स्मॉल आ रहा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है, तो स्मॉल आर निकालना है. देखो तो जब वो लिक्विड के अंदर है और वो तैर रहा है, तो क्या होगा? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू होल वेट ऑफ दी बॉडी. यही आर्किमिडीज है. तो यही लगाया उसने. देखो कैसे लगाया, ये आपका एक स्फेयर है, शेल है, आउटर रेडियस कैपिटल आ रहा है, इनर रेडियस स्मॉल आ रहा है. तो जब हम ये बोलेंगे कि इस ये जब लिक्विड के अंदर है तो ये क्या करेगा? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड. देखो लिक्विड जब डिस्प्लेस होता है उसको ये लेना देना नहीं कि शेल अंदर से खाली है, वो सिर्फ आउटर रेडियस देखता है. खाली शेल करो या भरा हुआ रखो, पानी का वॉल्यूम तो डिस्प्लेस 4/3 pi कैपिटल आर क्यूब ही होगा. पानी को क्या मतलब अंदर खाली बॉल है कि नहीं बॉल. तो ये वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू ये क्या आ गया? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड. तो ये क्या चीज आ गई? दिस इज वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड मस्ट बी इक्वल टू होल वेट ऑफ द बॉडी. अब एक्चुअल वेट बॉडी का क्या होगा? एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू डेंसिटी ऑफ बॉडी इनटू जी. सॉल्व कर लेना यहां से, मैथ्स वालों की कैलकुलेशन है आगे, तो यहां से स्मॉलर निकालना है. और पहला रूल क्लियर है, पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे इसमें करना है. क्वेश्चन है, कंसीडर अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर एंड मास डेंसिटी गिवन. प्रॉब्लम पता है क्या है? स्फीयर की डेंसिटी चेंज हो रही है, तो स्फीयर का मास आपको पहले इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा. ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर. जब चार्ज डेंसिटी चेंज होती थी, पहले टोटल चार्ज बाय इंटीग्रेशन निकलता था स्फीयर पे, किया था ऐसे 2-3 क्वेश्चन. तो पहले आपको इंटीग्रेट करके क्या निकालना पड़ेगा? इसका मास. तो वो कह रहे फ्लोट कर रहा है तो डेंसिटी क्या होगी ये निकालो, बाकी तो क्लियर ही है इसमें. ये देखो, ये ध्यान से देखना इधर, ये क्या चीज है? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस. क्योंकि वही बात, बॉडी की डेंसिटी कितनी है, लिक्विड को क्या लेना देना? लिक्विड तो आर रेडियस लेगा, तो लिक्विड का वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इज होल वेट. निकाल लें, होल वेट क्या होता है? एमजी. एमजी मास क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. अब कोई भी जो स्फीयर है, हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी किया था, सॉलिड स्फीयर वो शेल से बना होता है, याद करो. तो शेल का रेडियस अगर स्मॉल आर है तो एरिया क्या है? 4πr² और थिकनेस क्या है? dr. तो इसका स्मॉल वॉल्यूम है, तो स्मॉल वॉल्यूम इनटू डेंसिटी स्मॉल मास, स्मॉल मास की इंटीग्रेशन आपको क्या देगी? टोटल वेट. ये स्टेप समझ में आया? ये स्मॉल मास है, स्मॉल मास इनटू रो इज स्मॉल वॉल्यूम, सॉरी स्मॉल वॉल्यूम इनटू रो इज स्मॉल मास इनटू g स्मॉल वेट की इंटीग्रेशन टोटल वेट. तो इसलिए होल वेट में क्या किया? होल वेट में ये यूज किया, और डेंसिटी क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है ये वाली, अब मेडिकल में नहीं आएगा. इसे इंटीग्रेट करेंगे 0 CR, तो दिस इज द टोटल वेट, दिस इज वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस. तो मैथ्स वाले लोग इंटीग्रेशन करके आंसर निकाल लेंगे. पहला स्टेप समझ में आया? बस पहला स्टेप ही मेन है इसमें, ठीक है? तो मतलब जब डेंसिटी चेंज हो रही होती है स्फीयर की, तो पहले आपको शेल का मास निकालना पड़ता है स्मॉल, फिर आपको टोटल इंटीग्रेट करके टोटल स्फीयर का मास निकालना पड़ता है, फिर आंसर आएगा. ये आसान है. हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक लिफ्ट या प्रेस एक ही बात है. लिफ्ट 100 kg व्हेन मास m इज प्लेस्ड ऑन द स्मॉलर पिस्टन. तो इट कैन लिफ्ट कितने kg जब डायमीटर ऑफ द पिस्टन 4 times हो जाएगा, एंड दैट ऑफ स्मॉलर पिस्टन इज डिक्रीज्ड बाय 4 times बाय कीपिंग द सेम मास ऑन द स्मॉलर पिस्टन. ये क्या लिखा इसने? वो 100 kg का मास उठा सकती है जब m छोटे पिस्टन पे है,
कितने केजी का मास उठा सकती है व्हेन डायमीटर ऑफ द लार्जर पिस्टन इज इंक्रीज बाय 4 टाइम्स एंड दैट ऑफ स्मॉलर पिस्टन इज. अच्छा, डायमीटर बड़े पिस्टन का 4 गुना ज्यादा और छोटे का 4 टाइम्स कम, दोनों तरफ से ज्यादा कम कर दिया. रूल तो वही लगेगा, फोर्स बाय एरिया दोनों तरफ से विल रिमेन सेम. तो फोर्स पहले 100 है, एरिया कैपिटल ए है, उधर से वेट कितना है स्मॉल एम जी है, एरिया स्मॉल ए है. अब सेकेंड इक्वेशन में मास निकालना है, एरिया 16 क्यों कर दिया, डायमीटर 4 टाइम्स है तो पाई डी स्क्वायर बाय 4 16 और ये वाला एरिया बाय 16, दोनों को डिवाइड करके आना सर. ठीक समझ में आ रहा है, हाइड्रोलिक लिफ्ट या हाइड्रोलिक प्रेस कैसे काम करेगी, फोर्स बाय एरिया की रेशियो दोनों तरफ से विल रिमेन